हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। सो दोस्तों, आज मेरे अंकल का जन्मदिन है, उनकी सालगिरह है, सो आप सब उन्हें अपनी दुआओं से नवाजें। और आज हमें उनके घर जाना है। अंकल मेरी फ्रेंड नेहा के फादर, अगर आपको याद हो मैंने एक न्यू ईयर व्लॉग आपके साथ शेयर किया था, हम उसके घर गए थे और हमने बहुत एंजॉय किया था, केक कटिंग की थी, खूब एंजॉय किया था। तो आज हम वहीं जा रहे हैं, तो उसके बाद मुझे कुछ कमेंट्स लेने हैं, कुछ कमेंट्स के रिप्लाई करनी है, तो उसके लिए आप बने रहिएगा वीडियो में। और मुझे एक बात कहनी थी, हाँ, कान के बारे में पूछ रहे थे कि कान में तकलीफ क्यों थी। दरअसल ये बड़ा शौक आया था ये मुर्गियां छिदवाने का, ये देखिए दोनों कानों में है, तो इसको लेकर मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। और ये मैंने अपने बर्थडे पर ही ये करवाया था, और कहते ना शौक बुरी चीज है, तो ये दोनों कानों में हुआ था। और अभी थोड़ा दुखन है, अभी थोड़ा थोड़ा दुखता है, तो ये था। और बाकी ये है कि आप लोग बने रहिएगा, आज आपके साथ थोड़ा शेयर करेंगे व्लॉग के जरिए, ये वीडियो आपके सामने आएगा, और कुछ कमेंट जो मैं लूंगी, जो लोगों को मुझे रिप्लाई करने हैं, तो मैंने सोचा चलिए इसी में कर देते हैं। तो अभी मैं नमाज के लिए जा रही हूँ, फिर हम अपने अंकल के यहाँ जाएंगे और वहां से वापस आकर वो कमेंट्स देंगे, उसका रिप्लाई करेंगे। सो बने रहिएगा। सो दोस्तों, मैंने नमाज पढ़ ली और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। और मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता व्लॉगिंग में क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, क्या कुछ रूल्स होते भी हैं या नहीं, या फिर आप डेली व्लॉग्स तो मुझे लगता है काफी डिफिकल्ट होते हैं, तो फिर जो भी होता है मैंने सोचा आज मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। और हाँ, ये मुझे जरूर कहना था, जिन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया है, थैंक यू सो मच, दिल से उनका बहुत शुक्रिया। ये गिफ्ट, ये प्यार होता है एक दूसरे के लिए, रिस्पेक्ट होती है, तो जिन्होंने भी मुझे ये गिफ्ट किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा है ये। और मग तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, मेरे पास तो बहुत सारा कलेक्शन है, तो ये और कलर भी बहुत प्यारा है। आप बताइएगा दोस्तों आपको कैसा लगा, तो थैंक यू। और ये देखिए दोस्तों, मग कलेक्शन, कितने सारे मग हैं, आप बताना आपको अच्छा लगा। और यहाँ मैं कुछ सोच रही थी कि कैसे शूट करूँ, क्या करूँ, तो ये ऐसे ही थी बस। यहाँ हम अंकल के लिए केक लेने आए थे, और तब रोजे स्टार्ट नहीं हुए थे जब अंकल का बर्थडे था, लेकिन ये अभी तो रोजे चल रहे हैं। खैर, और ये रहा अंकल के लिए केक। सो दोस्तों, आप सब भी हमारे अंकल के लिए दुआ कीजिएगा, ये हमारे अंकल हैं, तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत प्यारे टड्डी कहते हैं। और ये रहा मेरा भाई नवीन, और इसने हम सबके लिए ढोकला बनाया था जो बहुत टेस्टी था। और तारा सिंह ने अंकल आंटी को ये प्लांट्स गिफ्ट किए थे, जो कि बहुत अच्छा गिफ्ट था, बहुत खुश हो गए अंकल। और यहाँ मैं अपनी दोस्त नेहा से बात कर रही हूँ, क्योंकि वो हमारे साथ थी, उसके पापा का बर्थडे था, लेकिन वो लखनऊ में है, तो हम लोग उसे मिस कर रहे थे, तो मैं वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। और ये हम घर से निकल गए थे, और चूंकि एक दिन बाद रमजान शुरू होने वाले थे, और जरा धूप देखिए आप, कितना तेज सूरज की तपिश थी, ये रमजान में सिवैया, खजूर, रमजान की खरीदारी करनी थी, तो फिर हम रमजान के लिए सामान लेने चले गए। और यहाँ से हमें सूट लेना था, ये सारा इधर जेंट्स कलेक्शन था। और ये देखिए पहली इफ्तियारी आपके साथ, क्योंकि मैं ऐसी शूट नहीं कर पाई, तो मैंने कहा चलें अपने प्यारे व्यूवर्स को इफ्तारी तो कम से कम शेयर करूं, क्योंकि मैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था व्लॉग में कैसे शूट करूं। ये दूसरी इफ्तारी भी हो गई, और दोस्तों देखते ही देखते तीसरी इफ्तारी हो गई, और रोजे शुरू होते हैं और पता नहीं चलता, इतनी तेजी से जाते हैं। और देखिए ये टाइम बस होने वाला है, और जल्दी जल्दी मैं सामान लगाती हूँ, चौथी इफ्तारी हो गई। और पूरे दिन का रोजा होता है ना, और जब आप रोजा खोलते हैं तो उसके बाद कुछ ज्यादा दिल ही नहीं करता, बना तो लेते हैं खूब, लेकिन इतना दिल नहीं करता खाने का। और ये पांचवी इफ्तारी आ गई। हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आपने वीडियो देखा, ये कुछ कुछ व्लॉग के रूप में मैंने कुछ वीडियो शूट की थी, और मैं काफ़ी टाइम से इसको चाह रही थी, और उसी बीच रमजान भी आ गए और वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, तो आज ये वीडियो हो गई पूरी। तो आपने देखा ये पूरा वीडियो, और आपको कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब ले लेते हैं कुछ कॉमेंट, जो कुछ के मैंने रिप्लाई कर दिए थे चैनल पर, और कुछ मैंने सोचा चलें ऐसे Q&A एक वीडियो करेंगे और उसमें आपके साथ इस पर बात करेंगे। तो
एक क्वेश्चन ये था कि आपके दो चैनल क्यों हैं, या इस तरह के और भी मैंने कई बार देखे हैं कि आप दो चैनल पर वीडियो क्यों बनाती हैं। देखिए, लोगों के तो दस दस होते हैं और उनसे कोई सवाल नहीं करता, पता नहीं मुझसे क्यों इतने सवाल करते हैं। और जहां तक क्यों बना है दूसरा चैनल, तो मैं आपको वजह भी बता दूं, वही इसकी हयाती मेरा चैनल था, लेकिन जब स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आती थी उस चैनल पर, और एक टाइम तक ऐसा हुआ कि वीडियो अपलोड नहीं होती थी, तो फिर ये होता है कि अगर यूट्यूब पर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपको यूट्यूब से कांटेक्ट करना होता है, फिर आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, लेकिन उसमें एक टाइम लग जाता है। तो इसलिए मुझे लगा कि ठीक है, हमारा एक दूसरा चैनल होना चाहिए और आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि आपका एक यूट्यूब एक फैमिली बन गया है, और वहाँ आपका एकदम से ऐसा हो कि आपके चैनल पर प्रॉब्लम आ जाए और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि आप लोगों को कैसे बताएं। तो तब मैंने ये हयात चैनल बनाया था। तो ये हयात और एक YH के हयात, यही मेरे दो चैनल हैं। अच्छा, एक यहाँ सवाल है MSD का, तो इनका सवाल है, मैम मैम OIC में इंडिया को भी होना चाहिए, क्योंकि 25 करोड़ मुस्लिम हैं इंडिया में, तो क्यों नहीं है? जितना मस्जिद इंडिया में है उतना तो कहीं नहीं है, बट इंडिया क्यों नहीं है OIC में? दोस्तों, OIC कंट्रीज जितनी भी हैं, ये मुस्लिम ममालिक कंट्री जो पूरे एक मुस्लिम जगत को रिप्रेजेंट करती हैं, तो इनका आपने देख ही लिया, अभी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इनका समिट था, लेकिन गल्फ कंट्रीज ज़्यादा इंटरेस्टेड थी भारत में। तो OIC कंट्री में भारत को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर होता है तो अच्छा है, नहीं है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि इसे होना ही चाहिए। और दूसरा सवाल है साफवान टैक, पता नहीं कैसे कैसे नाम लिखते हैं ये लोग, साफवान टैक, बीजेपी कब ज्वाइन करोगी? नहीं भाई, मेरा बीजेपी ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं है। आपका इरादा है तो आप कर लीजिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने के बिल्कुल भी इरादे में नहीं हूँ। अच्छा, ये है मोहम्मद फवाद अली खां का वीडियो, हयात सिस्टर, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की सोच आज भी 200 साल पुरानी है। हाँ, मोस्टली मैंने भी उनकी उनकी सोच, उनका नजरिया देखा है। ये पाकिस्तान हमेशा मुसलमान इस्लाम ही करता रहता है, इन पाकिस्तानियों को हिंदू भाइयों से बहुत दिक्कत होती है। हयात सिस्टर, हमारा भारत हमेशा सबसे प्यारा है, हमारे हिंदू भाई बहन, सिख भाई सब, वी लव आर इंडिया। बहुत अच्छा कमेंट मोहम्मद फवाद अली खान, हमारा भारत बहुत प्यारा है। और पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि 200 साल पुरानी सोच भले ही है, लेकिन तौर तरीके ही अपने बिल्कुल मॉडर्न करना चाहते हैं। तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा इनका कल्चर लगता है मुझे, कि आप एक सोच आप अपनी बहुत ही दकियानूसी रख रहे हैं, लेकिन आपके तौर तरीके, आपका लाइफ स्टाइल, आप उसको बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न, बहुत वेस्टर्न फॉलो करना चाहते हैं। तो यहाँ मुझे बहुत इनके कल्चर में कन्फ्यूजन लगता है। बाकी ये है कि अपना आप दूसरे के कल्चर को भी इज्जत एहतराम दीजिए, लेकिन आपका खुद का भी एक कल्चर, आपकी खुद की भी एक पहचान होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपका कमेंट बहुत अच्छा था ये। दूसरा ये है महेश यादव जी का कमेंट, आप जब रिएक्शन देते हैं वीडियो पे अच्छा रिएक्शन होता है, और जब आप अपने व्यूज शेयर करते हैं तो और भी अच्छा होता है। थैंक यू सो मच महेश यादव जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। मेरा बहुत सारे लोग इस पे मुझे कमेंट करते हैं कि रिएक्शन से ज़्यादा आप अपना खुद का व्यूज देती हैं, आप अपना खुद का रिसर्च, अपना खुद का एनालिसिस करने लगती हैं, तो क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और ये मेरे पास एक ऑप्शन बहुत अच्छा रहा कि आप रिएक्शन वीडियोज जब आप शेयर करते हैं तो आपके पास ऑप्शन खुले